इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पांच हजार लोग कथा सुनते हो, 5000 लोग, 10000 लोग, 15000 लोग YouTube Facebook पर श्रवण करते हैं। सब लोग ध्यान रखो, अपने देश की निर्मित वस्तु का ही सदुपयोग करना चाहिए, अपने देश को ही प्रेम करना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा देश का होकर देश में ही जीना मरना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। मिट्टी से प्रेम करो तो ऐसा व्यवस्था, ऐसी सुंदर व्यवस्था, सब कुछ देश में बनने लगा, जो चाहिए सो बन रहा है। हाँ तो प्रेम करिए, स्वभाव बना लीजिए। सबसे मेरी प्रार्थना है, भगवान क्या कहते हैं, विपत्ति काल में मित्र को सौगुना प्रेम करे, ये संत मित्र का स्वभाव होना चाहिए, उसी को संत मित्र, वेद भगवान ऐसा कहते, श्रुति कह संत मित्र गुण ये सन मित्र लक्षण विदम प्रवदंति संत। क्या विपत्ति में सौगुना प्रेम करे, मित्र को जताए नहीं, कहे नहीं, बताए नहीं, करे। मित्र दुख में है, विपत्ति में है, कष्ट में है, कलेश में है, उसको संहार करे। देखिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस मनुष्य के जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, कहीं से भी हो, आपके साथ जो न्यायालय में खड़ा हो, जो चिकित्सालय में खड़ा हो और जो श्मशान में आकर अड़ा हो, वो आपका अपना मित्र है, अपना संबंधी है, अपना ही है। और तीनों में जो गायब है वो आपका कुछ नहीं है, उसको दूर से नमस्ते करो। न्यायालय में गवाही की नहीं, क्या भरा जाता है, वो जमानत लगती है। आप कुछ भी करके आए हो, जमानत लेने कौन खड़ा है, जो जमानत लेने आपका खड़ा है वो आपका मित्र है, आपका अपना है, आपका संबंधी है। अस्पताल में आप भर्ती हैं, कौन कौन आया, कौन आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं, अकेले रहो, जय जय। घर वाले भी नहीं आए तो अस्पताल से निकलकर घर भी नहीं जाओ, क्यों, घर वाले एक नंबर के शत्रु है। जो अस्पताल में नहीं आ रहा है, कोविड पकड़े हमको भी पकड़ लेगा, पकड़ दो किसी को भी लेगा। तो जो अस्पताल नहीं आ रहा है उसको दूर से प्रणाम करो, दूर रहो, भगवान के हो जाओ, तीर्थ में जाकर आनंद करो, भजन करो। कदापि नहीं, जो आपत्काल में आपके पास नहीं है उसे संबंधी रखो, जय जय सीताराम, जाओ। मृत्यु के भय से अंतरंग होकर के भी जो बहिरंग है वो बहिरंगे रहे तो ज्यादा अच्छा, अंतरंग होने की आवश्यकता ही क्या है। हरा हरा है तो जो दिख रहा है वो आपका अपना नहीं है। विपत्ति काल कर सतगुण ने, हा सरकार के श्रीमुख वचन है, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। श्मशान में जो आपके संबंधियों के रूप में खड़ा है वो आपका अपना है। हर प्रकार से जो अड़ा है वो तीन स्थान ऐसे है जहां अपनों का पता चलता है। तीनों स्थलों में जो आपका है वही आपका है, नहीं तो आपका है। जाओ रहो सीताराम। अब देखिए भगवान ने व्यवहार की बड़ी मृदुलता सुनाई है। आगे कह मृदु बचन बनाई, मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। रचित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे
आगे मैंने सन्मुख होने पर मीठा बोले, बोले ही मधुर बचन जिमि मोरा, मीठा बोले बनाकर बोले। अरे साहब आप कैसे हैं भैया, क्या हालचाल है? बहुत अच्छे, अपनी न बतावे, और सब कुशल मंगल, गांव गली नगर शहर आपकी जय जयकार हो रही है। ले वाह, और कान भी अद्भुत हैं साहब, अपनी प्रशंसा सुन करके तो क्या बात है। मोर की दिव्य गीतिकाओं की लच्छे में आकर सर्प भी पास में आ जाता है, मोर पकड़ के खा जाता है। आगे का मृदु बचन बनाई, प्रभु ने क्या संदेश कहा, मीठी मीठी बात बना के कहे आगे, और जैसे ही पीछे पहुंचे एक रावण था कि एक ये ले, अभी तो वहां बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, अरे साक्षात जरा संद हैं लारे, यहां वहां में इतना अंतर। प्रभु कहते हैं पाछे अनहित दूर भय केवल निंदा, कैसे इनकी हानि हो, ऐश्वर्य समाप्त हो, मैं उपस्थित हूं आदि, मन में कुटिलता उपस्थित रहती हो, इसको कहते हैं सर्प गति। सीधा नहीं चलता है सर्प, सर्प क्या कर जाए, देखो अग्नि की चिंगारी और सर्प, इन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, और कपटी मित्र पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, मानिए चाहे न मानिए, जान लीजिए, मानना न मानना आपका अपना पक्ष है, जब भी हम किसी की निंदा करते हैं वो सुनता नहीं है, ये हमारा भ्रम है। हम जिसकी निंदा करते हैं यहां की हवा उस तक संदेश अवश्य पहुंचा देती है कि आपकी वो निंदा कर रहे थे। कई बार लोग बातचीत करते करते बैठे रहते हैं और कुछ खाने को आ गया, खाते हैं तब तक जिह्वा कट जाती है, अरे जीभ कट गई, तो कोई साथी रहता है कहता है जरूर तुम्हें कोई गाली दे रहा होगा, इसी में तुम्हारी जीभ कट गई। वो जो निंदा हो रही है ना, उसकी संवेदना वहां उपस्थित हो गई, संवेदना प्रेम की भी उपस्थित होती है और बैर की भी उपस्थित होती है। प्रभु कहते हैं जिसका चित्त सर्प की गति जैसा अहिगति, स्थिर नहीं रहता, संभाव में नहीं रहता, वो कुमित्र है, उसका त्याग कर देने में ही भलाई है। अस कुमित्र परिहरे ही भलाई भलाई। आप कहेंगे पता कैसे चलता है, देखो मित्रता शत्रुता नेत्रों में होती है, नेत्र यदि न हो सहज
तो उठने बैठने में होती है। मुख पर वो सब कुछ लिखा होता है जो हम सोचते हैं। तो आपने सुना होगा किसी महापुरुष ने कहा है, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, रहते भले जमी पर लेकिन आसमां की खबर रखते। आदमी समझ लेता है कि आदमी का स्वभाव कैसा है। बैर प्रीत नहीं दुरई दुराए, प्रभु हमारे कहते हैं भरत भैया से, भैया बैर प्रीत हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निदाना। आप प्रेम करते हो कि बैर करते हो, ये तो आंखों में होता है, ये मुख पर होता है, व्यवहार में होता है, सहज होता है, बताए से नहीं, कहने में नहीं आता, उठने बैठने से ज्ञात हो जाता है। हो जाकर चित अहि गति सम सर्प गति। भगवान क्यों बता रहे हैं कि अब इनके साथ हमको चलना है, यदि ऐसा कोई दोष हो तो उसका परित्याग करें, हम जो कहते हैं उस सहजता में उपस्थित रहें। अब परमात्मा ने ये चार बातें कही, जीवंत बातें। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी कपटी मित्र शूल समचा। सठ सेवक, सठ सेवक कौन है? जिसको बार बार समझाओ बार बार समझाओ फिर भी वही गलती करे, वो सेवक सठ है। राजा जो कंजूस हो, केवल संग्रह करे, पैसा इकट्ठा करे, ऐश्वर्य इकट्ठा करे, और तब तक किसी को स्पर्श न कर दे जब तक उसकी तेरही न हो जाए, ये राजा दरिद्र कंजूस राजा, उस राज्य का त्याग कर देना चाहिए। प्रभु कहते हैं सेवक सठ नृप कृपन कंजूस राजा। कुनारी जो अपने निज धर्म में न रत हो, जो स्त्री धर्म का परित्याग करे, कुल धर्म का परित्याग करे, जीवन में जो सामान्य मनुष्य धर्म है उसका पालन न करे, कुनारी सतपथ का अनुगमन न करती। इसमें बहुत सारी चर्चा उपस्थित होती है। बस कु स्वभाव से धर्मच्युत हो जाए, कुनारी कपटी मित्र, जो मित्र कपट में जीता हो, ये चारों क्या हैं? शूल के बराबर है। वायु का गोला नाभि में प्रकट होकर पूरे शरीर में, आयुर्वेद के अनुसार 64 प्रकार की हवा वायु शरीर में है, 64 प्रकार की, कभी यहां दर्द कराती है, कभी यहां दर्द कराती है, कभी यहां दर्द कराती है, अथवा तो किसी वस्त्र में अधो जो हम अंत वस्त्र धारण करते हैं और उसमें कोई खोच लग जाए, धुलाई करते समय फैलाते समय उस क्या बोलेंगे, बनियान में कभी कभी फंस जाता है कुछ, उसको शूल कहते हैं। तो यदि आप जब तक आप पूरा कपड़ा निकाल कर उसको उस कपड़े में से न निकालेंगे तब तक वो दिन भर परेशान करेगा, ऐसे ऐसे करते रहेंगे पूरे दिन। कपटी मित्र को भगवान ने शूल कहा, जब तक ये कंजूस राजा को शूल कहा, कुनारी शूल कहा, सठ सेवक को शूल कहा प्रभु ने, शूल समचारी, ये चार शूल के, जब तक निकाल करके कपड़ा नहीं फेंक देंगे तब तक जीवन में सुकून नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी और सहज नहीं होंगे। इसी प्रकार ये चारों यदि इस तरह के हों, उनको निकाल न दिया जाए तब तक जीवन में शांति उपस्थित नहीं होगी, ये प्रभु ने कहा। क्यों कहा? सावधान रहिए, अब मित्र हो गए हैं आप उस भाव से, सेवक हो गए हैं इस भाव से, राजा हैं आप, आगे की कथा।
अब आप राजा भी होंगे तो भगवान ने एक ही पंक्ति में तीनों सिद्धांत समझा दिया। सेवक हो रहेंगे तो सठता न हो, कपिराई बनेंगे तो कंजूसी न हो, और मेरे मित्र हैं आप तो कुटिलता न हो, कपट न हो। भगवान ने यात्रा प्रारंभ करने के पहले ही सुग्रीव जी को समझाया और तत्पश्चात भगवान ने बाली को गति प्रदान की। बोली रामचंद्र भगवान की जय। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।